कैसे हैं आप? हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने कक्षा 4 की हिंदी की किताब रिमझिम 4 से पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ा था। उस पाठ में हमने भाग 1 में पाठ की कहानी पढ़ी थी और समझी थी। आज हम इसी पाठ दोस्त की पोशाक के भाग 2 में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है दोस्त की पोशाक कहानी का उद्देश्य। बच्चों, इसका मतलब है कि दोस्त की पोशाक वाली कहानी में क्या उद्देश्य छिपा हुआ था, क्या शिक्षा छिपी हुई थी। तो हमारी समझ से इसमें यह उद्देश्य है, दोस्त की पोशाक कहानी का उद्देश्य यह है कि जब आप किसी की सहायता करें तो उसके बारे में किसी को न बताएं। फिर सहायता करने का मतलब ही क्या रह जाएगा, है ना बच्चों? तो इस कहानी में यही उद्देश्य छिपा था। दोस्त की पोशाक में कुछ नए शब्द आए हैं जिनके अर्थ हम समझेंगे, जैसे पोशाक। कहानी में भी हमने पहले पोशाक के बारे में पढ़ा था, पहनने का कपड़ा या परिधान। गपशप हम बोल देते हैं, उसका मतलब होता है बातचीत या दो या अधिक लोगों में वार्तालाप। बन ठन कर, इसका मतलब है सज धज कर। मुलाकात मीन्स है भेंट करना, किसी से मिलना। गर्मजोशी का मतलब है उत्साह, गहरे प्रेम का भाव जब जागृत होता है, उत्साह, उसको गर्मजोशी बोलते हैं। मामूली का मतलब है बहुत साधारण सा। तो यह शब्द अर्थ थे, सभी बच्चों ने आपने ध्यान से सुने। तुम्हारी समझ से इसमें एक प्रश्न बना है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। जब जमाल साहब तीसरे मकान से के पड़ोसी से घर के से बाहर निकले तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा होगा, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तत्पश्चात वापस आकर नसरुद्दीन को अचकन भी लौटा दी होगी। ऐसा ही हुआ होगा ना बच्चों, या तुमने कुछ और सोचा है तो वह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो बच्चों, हो सकता है कि नसरुद्दीन के पास बढ़िया और कीमती कपड़े होंगे जबकि जमाल साहब के पास मामूली कपड़े थे, इसीलिए जमाल साहब नसरुद्दीन के साथ घूमने जाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, उन्हें शर्म लग रही थी, है ना बच्चों? तो इसका उत्तर यह भी हो सकता है और आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन किससे मिलके बहुत खुश हुए। नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए, है ना बच्चों? अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन और जमाल साहब का स्वागत सत्कार किसने गर्मजोशी से किया। तो इसका उत्तर है, हुसैन साहब ने नसरुद्दीन और जमाल साहब का स्वागत सत्कार गर्मजोशी से किया था। फिर अभ्यास प्रश्न में आगे एक अभ्यास प्रश्न ये है, देखेंगे बच्चे ध्यान से, शब्दों का हेरफेर। बच्चों, हमें कई शब्द जो सुनने में बोलने में लगभग एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ बहुत अलग होता है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ शब्द हमें बताए गए हैं, पूछे गए हैं। झूठा, जिसे झूठा और जूठा दोनों शब्द ऐसा लगता है कि कुछ मिलते जुलते हैं पर इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। झूठा मतलब होता है झूठ बोलने वाला और जूठा का मतलब होता है किसी का बचा हुआ खाना, जूठा किया हुआ खाना, है ना? तो इसी प्रकार घड़ा का मतलब है यह मिट्टी का बना होता है, जैसे मटका भी कहते हैं, और गड़ा का मतलब है, गड़ा में वाक्य बनाए हैं इसमें, भारत ने हरित क्रांति लाकर स्वर्णिम इतिहास गढ़ा है। तो बच्चों, घड़ा और गढ़ा दोनों अलग अलग शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग हैं। उसी प्रकार से घूम, झूम, एक सा तुकबंदी है ना दोनों में, तो
तो दोनों का अर्थ दोनों में वाक्य बने हैं, मोहन दिल्ली भी घूम लिया है। झूम में वे लोग मस्ती से झूम रहे हैं थे, तो ये झूम और घूम का भी वाक्य बनाए हैं। अगला है राज और राज। देखिए बच्चों, दोनों शब्द सेम है, दोनों शब्द सेम हैं, बिल्कुल एक से हैं, बस नीचे वाले राज में एक नुक्ता जफर विंदा लगा है ज में, है ना। ध्यान से देखेंगे, राज, राज का मतलब राज में वाक्य बनाए, यहाँ बादशाह अकबर का राज चलता था। अगला है राज, उसके घर का राज कोई नहीं जानता, रहस्य, दूसरे वाले राज का मतलब है रहस्य कि किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार से एक छोटे से नुक्ते से बिंदा लगने से दोनों शब्दों का अर्थ इस प्रकार बदल गया। आगे है फन और फन। फन फ में जफर बिंदा लगा है, नुक्ता लगा है, उसको फन बोलेंगे हम। वह अनेक फन फन का मालिक है। फन माने हुनर, फन फनकार बोलते हैं ना, वह अनेक फन फन का मालिक है। और दूसरा है फन, तो फन, इस फन का मतलब है जहरीले सांप का फन कुचल दिया गया। सांप जो फन उठाता है तो यह है वह वाला फन है। अगला शब्द है सजा और सजा, तो ये दोनों में भी अंतर है एक नुक्ते का। पहली सजा का मतलब है पूरा घर सजा दिया, सजा दिया मतलब सजा के सुंदर बना दिया। और दूसरी सजा का मतलब है अपराधी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इनके बोलने में भी फर्क है, ज को बोलने में ज की आवाज़ आ रही है, तो इस बात का भी बच्चे ध्यान देंगे। आगे शब्द है खोल खोल, तो दोनों शब्दों में अंतर है। खोल, ओ की मात्रा है ख में, तो जिसका मतलब हम समझते हैं उसने दरवाज़ा खोल दिया। और खोल, खोल का मतलब है पानी खोल गया, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, उबल गया, खोल गया। तो बच्चों, थे ना मज़ेदार शब्द ये, इन शब्दों को सभी बच्चे बार बार बोलेंगे और समझेंगे और इनके नए वाक्य भी बना सकते हैं। तो सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। आगे है दोस्त की पोशाक कहानी का उद्देश्य। दोस्त के हम इसमें पढ़ भी चुके हैं, दोस्त की पोशाक कहानी का उद्देश्य यह है कि जब आप किसी की सहायता करें तो उसके बारे में किसी को न बताएं। फिर सहायता करने का मतलब ही क्या होगा, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे अब आपके लिए गृह कार्य है जो आप बड़े ध्यान से बनाएंगे, लिखेंगे इसमें। तुम्हारे सवाल, इस कहानी को सभी बच्चों ने सुना है, पढ़ा है, अब आपको इसमें इसके नीचे कोई 5 प्रश्न बनाने हैं, खुद बनाने हैं प्रश्न। आप वो प्रश्न कैसे ही भी हो सकते हैं इस कहानी से संबंधित, और उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से बनाएंगे प्रश्न, जैसे मैं आपकी हेल्प करूं। जैसे प्रश्न हो सकता है, जमाल साहब नसीरुद्दीन के साथ घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। और प्रश्न यह भी हो सकता है, पहले पड़ोसी के यहाँ जाकर नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय किस प्रकार कराया। इसी प्रकार के आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। अभी आपको सिर्फ 5 प्रश्न और उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो मुझे आशा है सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे, प्रश्न भी बनाएंगे और अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे और हमें बताएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं हम नसीरुद्दीन की अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।